स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम अध्याय फर्स्ट स्वर्णिम भारत की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने कल मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो तीसरा जो शासक है वो है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये बिंदुसार के पुत्र थे। सम्राट अशोक का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। सम्राट अशोक को कुछ अन्य नामों से या अन्य उपाधियां दी गई हैं, जैसे देवनाम पिय, दस्सी, मास्की और गुज्जर अभिलेख, दो अभिलेख हैं मास्की और गुज्जरा अभिलेख। इन अभिलेखों में सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है। उसके अलावा हम बात करें तो जो सम्राट अशोक थे वो बिंदुसार के पुत्र थे, और बिंदुसार की इच्छा के विपरीत, यानी बिंदुसार ये चाहते थे कि उनका जो बड़ा बेटा है सुसीम वो राजा बने, लेकिन अपनी पिता की इच्छा के विपरीत अशोक ने अपने भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया और 269 ईसा पूर्व में 269 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ। इनका विवाह हुआ था विदिशा की राजकुमारी से। इस रानी से इन्हें दो संतानें प्राप्त हुईं। सबसे पहला इनका एक बेटा था, उसका नाम था महेंद्र, और विदिशा की राजकुमारी से ही एक पुत्री उत्पन्न और हुई थी, उसका नाम था संगमित्रा। इसके अलावा सम्राट अशोक की एक और रानी का उल्लेख मिलता है, उनका नाम है कारुवाकी। ये एक अन्य रानी थी। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के सातवें वर्ष अर्थात 262 ईसा पूर्व में यानी 262 ईसा पूर्व में उन्होंने कश्मीर और खोतान दोनों जो क्षेत्र हैं उनके अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया था या उन्हें अपने अधिकार में ले लिया था।
अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग एक राज्य था कलिंग जो कि वर्तमान में उड़ीसा कहलाता है उस पर आक्रमण किया और इस कलिंग को उन्होंने पराजित किया। इस कलिंग के युद्ध में लगभग 100,000 लोग मारे गए। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे। एक और अभिलेख मिलता है, उसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। इस हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार उस समय कलिंग पर जो राजा राज कर रहा था उसका नाम था नंदराज। और नंदराज जो राजा था वो था कलिंग का। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जो राजा नंदराज था वो कलिंग पर राज कर रहा था और सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में उस पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया और कलिंग को अपने राज्य में शामिल कर लिया। जो ये कलिंग राज्य है ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध था उस ज़माने में। कलिंग जो राज्य है वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध। इस युद्ध को जीतने के बाद लगभग 100,000 लोग मारे गए। इन 100,000 मौतों के बाद जो सम्राट अशोक है उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। और हृदय परिवर्तन होने के बाद उसने जिंदगी में कभी भी युद्ध नहीं करने की कसम खाई। सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद उन्होंने युद्ध न करने की कसम खाई। उसके बाद हम बात करते हैं जो मौर्य साम्राज्य था अशोक के समय। इस साम्राज्य में लगभग पूरा भारत शामिल था। केवल दक्षिण के कुछ क्षेत्र हैं कर्नाटक केरल और तमिलनाडु, यानी जो प्राचीन काल में तमिल प्रदेश कहलाता था ना वो इसमें शामिल नहीं था मौर्य साम्राज्य में। बाकी पूरे भारत पर अशोक के समय मौर्य साम्राज्य स्थापित हो चुका था। इसके अलावा भारत के अलावा अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा हिस्सा भी मौर्य साम्राज्य का ही हिस्सा था। उसके बाद हम बात करते हैं एक और अभिलेख की, उसका नाम है रुमनदेई अभिलेख। रुमनदेई
अभिलेख। इस अभिलेख के तहत सम्राट अशोक ने जो भूमि कर की दर थी वो पहले लिया जाता, किसान से 1/6 हिस्सा लिया जाता था पूर्व में, लेकिन रोमनदेही अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि 1/6 को उन्होंने बढ़ाकर 1/8 कर दिया। यानी किसान से जो भूमि कर लिया जाता था वो पहले 1/6 हिस्सा लिया जाता था, लेकिन बाद में अशोक ने उसको घटाकर 1/8 कर दिया, और ये सारा हिस्सा जो जमा होता था वो जमा होता था राजकोष में। उसके बाद हम बात करते हैं दो साधु थे, श्रीमन निग्रोध एवं उपगुप्त। बौद्ध साधु, इन साधुओं के संपर्क में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। यानी जो श्रीमन निग्रोध और उपगुप्त थे वो दोनों बौद्ध साधु थे, और उनके संपर्क में आकर अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? बौद्ध धर्म। एक पुस्तक है राज तरंगणी। इस पुस्तक के जो लेखक है वो हैं कल्हण। इस पुस्तक के अनुसार जो अशोक था वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व भगवान शिव का उपासक था। भगवान शिव का उपासक था। आगे देखिए, अब उसके बाद हम बात करते हैं धम्म की। अशोक ने कुछ नियम बनाए जो कि क्या कहलाए? धम्म। तो धम्म की परिभाषा सुनिए। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए कुछ नियम प्रतिपादित किए हैं। मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जो नियम प्रतिपादित किए यानी दिए, वे नियम अशोक का धम्म कहलाए। अशोक के धम्म कहलाए। जैसे पाप निवृत्ति, सत्य बोलना, दान देना, विश्व कल्याण,
आदि, यानी पापों से दूर रहना, सत्य बोलना, दान देना, विश्व कल्याण, ब्राह्मणों को दान देना, वृद्धों की सहायता करना, ये सब क्या कहलाए? ये अशोक का धम्म कहलाए। यानी अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जो नियम बनाए थे ना, वो अशोक का क्या कहलाए? धम्म कहलाए। उसके अलावा बड़ों की आज्ञा का पालन करना, माता पिता का आदर करना, प्राणियों को न सताना, प्राणियों को वध न करना, पशु पक्षियों को वध न करना, ये सब कौन से नियम थे? ये अशोक के धम्म के नियम थे। उसके बाद हम बात करते हैं धम्म महामात्र की। धम्म महामात्र ये एक पदाधिकारी होता था मौर्य प्रशासन में, एक पदाधिकारी होता था अशोक के समय, जिसकी नियुक्ति किसने की थी? अशोक ने। धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति की थी वो की थी अशोक ने। इन धम्म महामात्रों को काम था कार्य, इनका कार्य था बौद्ध स्थानों का भ्रमण करना, बौद्ध स्थानों या तीर्थों का भ्रमण करना। नंबर दो, विश्व कल्याण करना। नंबर तीन, जो कि कारावास में जो कैदी बंद थे, कारावास में जो कैदी बंद थे ना, कैदियों की सजा को कम करना या फिर उनकी सजा को माफ करना, सजा को माफ करना। उसके अलावा जो इन कैदियों के जो परिवार थे उनकी आर्थिक मदद करना, परिवारों की आर्थिक मदद करना। यानी धम्म महामात्र एक पदाधिकारी होता था जिसकी नियुक्ति सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी, और इसका जो कार्य था वो था बौद्ध स्थानों और तीर्थों का भ्रमण करना, विश्व कल्याण करना, ब्राह्मणों को दान देना, वृद्धों को दान देना, उसके अलावा जो कैदी थे कारावास में बंद उनकी सज़ा को या तो कम करना या फिर बिल्कुल माफ़ कर देना, और चौथा जो काम था इन कैदियों के जो परिवार थे उनकी आर्थिक सहायता करना या आर्थिक मदद करना। उसके बाद हम बात करेंगे अनुसंधान। अनुसंधान प्रति 5 वर्ष में सम्राट के द्वारा कुछ राज्य के कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी, राजकीय
कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। राज के कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी और इनसे इन्हें बौद्ध स्थानों या बौद्ध तीर्थों के लिए भ्रमण करने के लिए भेजा जाता था। भ्रमण करने के लिए भेजना। उसके अलावा हम बात करते हैं धम्मी यात्रा। अशोक से पूर्व राजाओं के द्वारा विहारों की यात्रा की जाती थी, विहारों या जंगलों की यात्रा की जाती थी। जहाँ पे राजा पशुओं का शिकार करते थे, इन यात्राओं को अशोक ने बंद किया, समाप्त किया और इनके स्थान पर धम्म यात्रा की शुरुआत की। उसके बाद हम बात करेंगे अभिलेख की। अभिलेख भारतीय इतिहास का जो पहला शासक अशोक ही एक ऐसा शासक था जिसने अपनी प्रजा को अभिलेखों के द्वारा संबोधित किया, अर्थात अभिलेखों के द्वारा संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा अशोक था। यानी सम्राट अशोक अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय शासक था। इनके जो अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। सम्राट अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। और दो अभिलेख साबासगढ़ी और मनसेरा, ये दोनों अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख मिलते हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे और दो अभिलेख साबासगढ़ी और मनसेरा, ये दोनों अभिलेख जो मिलते हैं ये मिलते हैं खरोष्टी लिपि में। उसके अलावा अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म के
प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। श्रीलंका भेजा था। उस समय जो श्रीलंका का राजा था वो था राजा तिस्स। उस समय जो श्रीलंका पर राज कर रहा था वो था राजा तिस्स। अशोक की जो मृत्यु होती है वो होती है 232 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुणाल राजा बनता है। अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर उत्तराधिकारी थे, जिसकी वजह से अगले 50 सालों में मौर्य वंश का पतन हो जाता है। कमजोर उत्तराधिकारी अशोक। कुणाल के बाद दशरथ बनता है और जो अंतिम राजा होता है वो होता है वृहद्रथ। अंतिम जो राजा था वृहद्रथ। एक सौ 185 ईसा पूर्व में वृहद्रथ की हत्या, मौर्य वंश का जो अंतिम राजा है वृहद्रथ, उसकी हत्या उसका सेनापति, सेनापति करता है और सेनापति का नाम है उससे मित्र सुंग। सेनापति का नाम था पुष्यमित्र सुंग। मौर्य वंश के अंतिम शासक है वृहद्रथ। वृहद्रथ की हत्या करेगा उसका सेनापति पुष्यमित्र सुंग और पुष्यमित्र सुंग के उसके हत्या करने के बाद एक नए वंश की स्थापना हो जाती है मगध पर और उस वंश का नाम है सुंग वंश। पुष्यमित्र 185 ईसा पूर्व में एक नए राजवंश की स्थापना करता है सुंग वंश। और सुंगवंश की जो स्थापना होती है वो कौन से राज पर होती है, किस राज की बात कर रहे हैं हम, मगध की। यानी मगध में मौर्य वंश का पतन हो जाता है और एक नया वंश आता है सुंगवंश, जिसकी स्थापना की है पुष्यमित्र सुंग ने और कब, 185 ईसा पूर्व में।